हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। एक बड़ी खबर, वो बड़ी खबर जुड़ी है डीएनए टेक्नोलॉजी से। दरअसल मोदी सरकार कई बार से, तीसरी बार ऐसा हो गया है कि डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल लाने की कोशिश कर रही है, फिर लाई है लोकसभा में। और उस बिल के बारे में मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अरेस्ट होते हैं, आपकी बेल होती है एंड अंडर ट्रायल होते हैं और सस्पेक्ट होते हैं किसी मामले में और ऐसे तमाम सारे मामले में भगोड़े होते हैं, तब आपका डीएनए लेने की योजना है। और इसके लिए हालांकि अभी भी कोई मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है तब भी आपका डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो ऐसे में वो डीएनए जो रेगुलेशन बिल होगा उसमें ये होगा कि आपका जो डीएनए लेकर एक डाटा बैंक बनाई जाएगी, डीएनए डाटा बैंक, और एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा। उसको लेकर लोकसभा में जब वो रखा गया तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने ऐतराज़ किया, कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने ऐतराज़ किया। मैं आपको इस बारे में बता दूं कि पहले भी डीएनए को लेकर कांग्रेस के एक बड़े नेता एनडी तिवारी अपने बेटे की के मामले में फंसे रहे थे, हालांकि अभी उस बेटे की मौत हो गई, बाद में उन्होंने मान लिया था। और दूसरा मामला शशि थरूर का भी था, शशि थरूर कैसे, सुनंदा पुष्कर का एक मामला था, डीएनए की रिपोर्ट बाहर गई, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंडर ट्रायल शशि थरूर हैं। और शशि थरूर ने भी डीएनए का जो बिल आया, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, उसका विरोध किया। पहले हम सुना देते हैं, अधीर रंजन चौधरी ने अंडर ट्रायल कैदियों का, जो अंडर ट्रायल कौन है, जो या तो गिरफ्तार हुए और उन पर केस चल रहा है, या बेल, जिनको बेल मिल गई है, जो अंदर नहीं है जिनको बेल मिल गई है वो भी एक तरह से अंडर ट्रायल है। राहुल गांधी भी अंडर ट्रायल है इस वक्त अगर देखा जाए तो, उनका केस चल रहा है। तो ऐसे में उनका डीएनए क्यों ना लिया जाए, इस पर जो सदन में कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा वो सुनिए। मंत्री जी, ये आप अंडर ट्रायल, वो भी तो हमारे आम जनता है, अंडर ट्रायल जब तक कन्विक्टेड नहीं होगा आप उनके ये डीएनए ले लेंगे, उसके बाद क्या होगा? आप कहते हैं कि बाद में कोर्ट में जाओ, लेकिन ये डीएनए आप जब कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करने का पहले आप क्यों नहीं कोर्ट का ऑर्डर मुहैया कराते हैं? तो हम प्रपोज करता हूं आपके कि डीएनए टेस्ट की जो कंसेंट की बात किया जा रहे हैं वो कोर्ट की ऑर्डर की हैसियत से हो। आप कहते हैं कि कोर्ट की ऑर्डर बाद में लेके रिमूवल किया जाए, नहीं, हम चाहते हैं कि आग में पहले हो। सर, ये एक स्टिग्मा आप लगाना चाहते हैं आम लोगों के ऊपर, ये सरासर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है इसके खिलाफ है, इसलिए मैं इनका विरोध करता हूं। इसके बाद शशि थरूर ने भी अधीर रंजन चौधरी का साथ दिया और उन्होंने एक दूसरा मुद्दा उठाया और कुछ टेक्निकल मुद्दा उठाया कि ये प्राइवेसी से जुड़ा है और प्राइवेसी से जुड़ा बिल जब अभी तक नहीं आया है तब डीएनए कैसे लिया जा सकता है। सुनिए शशि थरूर ने क्या कहा। सर, आई टू हैव सिमिलर कंसर्न्स बट एन एडिशनल कंसर्न सर, व्हिच इज दैट दिस बिल फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क्स इंडीड एज अधीर रंजन चौधरी हैज सेड द कंसर्न ऑफ डेटा प्रोफाइलिंग एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सर्वेलेंस स्टेट अगेंस्ट द ऑर्डिनरी पर्सन इन दिस कंट्री। बट फार more troubling procedurally, sir, is that there is a Supreme Court judgment in the Puttuswamy case on privacy, after which the government promised to bring a data protection law which would guarantee the protection of all the data of citizens, sir. DNA is also data. How can you pass the DNA bill first when you don't have a data protection law yet? तो अब उम्मीद है कि ये बिल पास हो जाएगा। ऐसे में वो लोग जो किसी न किसी केस में अंडर ट्रायल हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनका डीएनए लिया जाएगा और उस बिल आने के बाद उसे रोका नहीं जा सकेगा। पूरा बिल आएगा तो उस बारे में हम एक पूरी रिपोर्ट आपको ज़रूर बताएंगे ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके कि ये बिल है क्या। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।